हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनके स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, और वो स्ट्रक्चर जो है मतलब मेनली वो क्या काम करती है, वो जनरल चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हमने तीन पार्ट्स बताए उसके, जड़, तना और पत्ती। अब इनके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब पत्ती जो है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे कैसे होता है, उसके अंदर सारे काम कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि स्टेम है वो किस तरह काम करता है, उसके स्ट्रक्चर कैसे, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। देन हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में कि जो जड़ें होती हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं, उनके अंदर सारे प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, उन पत्तियों के बारे में कि वो पत्तियाँ कैसे कैसे काम करती हैं, उनके स्ट्रक्चर किस किस टाइप की होती है, मतलब उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनका फंक्शन कैसा है, क्या फंक्शन है उनका, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? लीव्स या फिर पत्तियाँ। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये क्या हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है हमें कि बिल्कुल लाइटली पढ़ना है हमें, हमने बोल दिया तीन पार्ट होते हैं, जड़, तना, पत्ती, वो हो गया, ऐसे नहीं पढ़ने हमें यहाँ पे। हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे कि जो पत्तियाँ हैं उनकी स्ट्रक्चर किस किस टाइप की होती है, कैसे कैसे काम करती हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे लीव्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम देखें इसकी प्रेजेंस तो कहाँ होता है, पादप का कौन सा भाग है, प्लांट का सबसे ऊपर का भाग होता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया कि पादप का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है, पत्ती होती है। अब अगर हम यहाँ पे इसके फंक्शंस की बात करें, इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हमें बात करें किसकी, ये जो पत्ते होते हैं इसके फंक्शन के, मतलब ये काम क्या करती है मेनली, उसकी हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे लगी रहती है, ये कहाँ लगी रहती हैं ये पत्तियाँ, ये पत्तियाँ जो तना होता है मतलब स्टेम पे, या फिर ब्रांचेस जो होती हैं उन पे लगी रहती है, यानी कि जो तना, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ होता है, इस टाइप से ये पेड़ है, ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, इसकी पत्तियाँ हैं, ये इस टाइप से देखिए इस तरीके से होगा ये पूरा पेड़, इसके अंदर ये पत्तियां हैं। तो ये तो कुछ, अब देखिए तने वाला पार्ट ही तो है ये मेनली, तने पे, शाखाओं पे पत्तियां क्या होती है, वहां पे लगी रहती है, कौन लगा रहेगा, पत्तियां लगी रहेंगी, ठीक है। और ये लगी किस तरीके से रहती है, ताकि इनको क्या मिले, इनको सनलाइट मिलती रहे, सूरज की रोशनी मिलती रहे, ये लगातार क्या जो खाना बना रहे हैं वो खाना बनाते रहे, सारी चीजें मिलती रहे। वही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पादप का पत्तियों वाला पार्ट ऊपर क्यों होता है, पत्तियां नीचे क्यों नहीं चली गई, लेकिन इनको क्या चाहिए, इनको सनलाइट चाहिए, ये भोजन बनाती हैं, इनको एनवायरनमेंट से जो गैसेस हैं वो भी चाहिए, तो वो सारी प्रोसेस होती है। इस कारण से क्या होती है, जो पत्तियाँ होती हैं वो ऊपर का पार्ट होती है इसका, वहाँ पे इनको क्या मिलता है, सूरज से रोशनी भी मिलती है, एनवायरनमेंट से CO2 भी मिलती है, जड़ें अवशोषित करके क्या पहुँचा देती हैं, जल पहुँचा देती है। तो इसी तरीके से तने पे और शाखाओं पे लगी हुई रहती हैं कि जब उन सभी पे लगी रहेगी, ठीक है, कि जो दिन में भी क्या मिलता रहे, इनको सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कहाँ पे पड़े, वो जो सूरज की रोशनी मिलती रहे, और कहाँ पे जो सारी पत्तियां होती हैं उन सारी पत्तियों का इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है कि उनको सूरज की रोशनी लगातार मिलती रहे, ठीक है। ये तो बात होगी जो पत्ते हैं वो कहाँ होंगे, क्या कैसे कैसे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की, अगला क्या आता है इसकी स्ट्रक्चर, मतलब जो पत्तियां हैं इनकी संरचना किस टाइप की होती है वो हमें देखना है। देखिए जनरली हम यहाँ पे अगर इसका एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं,
क्योंकि ये सिक्स और सेवन्थ क्लास में भी एट्थ समथिंग आपको उस टाइम भी इसकी स्ट्रक्चर वगैरह आ चुकी है। तो हम वैसे जनरली अगर देखें कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसकी बात करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए इसके अंदर ये एक ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स की हम बात करेंगे कि ये पार्ट्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर सेल्स की लेयर है, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, और ये ऐसे ऐसे लगा लीजिए। ये जनरली की स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि इसके अंदर किस टाइप का होगा, तो ये इस तरीके की सेल्स होती है इसके अंदर। किसके अंदर है ये सेल्स? ये सेल्स, ये जो जो अगर हम बताएं इसकी स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है पत्ती की, तो वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, इसमें अगर हम बात करें इसके अंदर, देखिए ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये क्या होती है, इसकी एपिडर्मिस होती है। ये क्या है? एपिडर्मिस। लेकिन कौन सी एपिडर्मिस है? एपिडर्मिस तो ये भी है, ये भी क्या है? एपिडर्मिस है। लेकिन क्या ये जो ऊपर जो एपिडर्मिस है उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है? यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये दो मेनली पार्ट होते हैं इसके अंदर। अब क्या होता है, पत्ती की जो जैसे जो इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो भी कौन सी? ऊपर वाली एपिडर्मिस। उसके नीचे कौन सेल्स प्रेजेंट होती है? उसके नीचे पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, पत्ती की कौन से सेल्स के नीचे, पत्ती की कौन से सेल्स जो अपर एपिडर्मिस वाली सेल्स हैं, ऊपर की ये इसके नीचे वाली सेल्स, ऊपर वाली जो एपिडर्मिस होती है उस ऊपर वाली एपिडर्मिस के नीचे कौन से सेल्स रहेंगे? पेरेन्काइमा सेल्स रहेंगे, पेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की होगी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? पेरेन्काइमा सेल्स पाई जाएंगी। ये जो सेल्स होती है इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला क्या टर्म लिख सकते हैं हम इसके अंदर? इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल क्या होगा इसके अंदर? प्रेजेंट होगा। और ये जो सेल्स होती हैं इनमें कैसे जो स्पेस पाए जाते हैं, बीच में जो जगह पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्स के बीच में जो जगह, जहाँ पर इसके बीच में वो जो जगह पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। ये स्पेस इनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? पत्ती की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, तो इसके अंदर ये पार्ट के जो स्पेस कोशिकाओं के बीच में, आपको ये नाम क्या है? इंटरसेलुलर, मतलब जो कोशिकाओं के बीच में, इंटर का मतलब होता है बीच में, तो जो आप ऐसे सब इंटरवेल होता है, ऐसे मूवीज वगैरह आप देखते हो उसमें क्या था, इंटरवेल होता है, तो वो इंटरवेल हुआ तो मतलब क्या बीच में तो होता है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इंटरसेलुलर, मतलब कौन सा स्पेस जो कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और देखिए अब यहाँ पे मेनली प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे जो गैसेज होती हैं जैसे O2 है, CO2 है, उनका एक्सचेंज होगा, इसका जो जल है, जल का जो वाष्प के रूप में जो उत्सर्जन होता है। इसके अलावा गैसों का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम, जो क्रिया होती है सॉरी, तो वो क्या होती है? पत्ती की जो सभी सेल्स होती हैं उन सभी तक होती है ये सारी क्रिया, इसकी स्ट्रक्चर में यही तो पढ़ना है। और यहाँ पे मेन प्रोसेस क्या होगी, देखिए गैसेज का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, गैसों का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। कौन सी गैसें? O2 एंड CO2, मेनली इनका ही तो होता है। हम क्या करते हैं? O2 लेते हैं, छोड़ते हैं क्या? CO2 छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं? ये हमारे द्वारा छोड़े जो CO2 है उसको यूज लेते हैं और छोड़ते क्या हैं?
ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए मैं आपको ये बात कई बार बोलती हूँ कि इसलिए हमें बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाने चाहिए, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए लगातार सांस के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है। और अगर प्लांट से नहीं होंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे जब हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो, ठीक है, ये बात होती है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर स्पेस होगा, ये पत्ती की संरचना बतानी है सारी चीजें आपको, ये पत्ती की संरचना इस टाइप की होती है, इसके अंदर मेन काम क्या, गैसों का एक्सचेंज होगा, गैसों का एक्सचेंज तो होगा और इसके अलावा क्या होगा, इनसे जो जल वाष्प का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, क्योंकि इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है उत्सर्जन, आगे क्या होगा, जल वाष्प का उत्सर्जन होता है, ये मेन प्रोसेस होती है। इसके अंदर के क्या क्या काम होंगे, इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अगर इतने पार्ट में मैं क्वेश्चन की बात करूँ, से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट सी हैं उनकी हम बात करते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या, पत्ती कौन सा भाग होती है, ऊपर भाग, ऊपर वाला भाग होता है। और एक बात ध्यान रखिए, हम जनरली ये सोचते हैं कि पत्तियां कहाँ लगी होती हैं, वो ब्रांचेस पे लगी होती हैं, लेकिन पत्तियां जो स्टेम वाला जो पार्ट है वहीं से तो जुड़ी हुई है वो ब्रांचेस, तो मेनली क्या स्टेम पे या फिर जो ब्रांचेस होती हैं उस पर लगी होती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो ऊपर प्रेजेंट है, वो क्यों है, वो मैंने आपको बताया कि क्यों है प्रेजेंट, वो उनको सनलाइट मिलती रहे, उनको डायरेक्ट सूरज की रोशनी मिलती रहे, एनवायरनमेंट से उनको CO2 मिलती रहे, ठीक है। अगला पार्ट आता है स्ट्रक्चर, इसके अंदर दो एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे वाली सेल्स कौन सी है, पेरेन्काइमा सेल्स होती है। वो जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसके अंदर स्पेस की, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो अंतर कोशिक स्थान होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। गैसों का एक्सचेंज कौन कौन सी का होगा, O2 CO2 का, किसकी सतह के माध्यम से होता है, वो पत्तियों की सतह के माध्यम से होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा कि इसका काम क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज करना, O2 का CO2 का, वो कैसे कैसे होगा सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या, अगर देखिए पादप क्या करते हैं, जल का अवशोषित करिए, एब्जॉर्प्शन करती है जड़े जल का, वो क्या करती हैं, बहुत सारा पानी उन्होंने अवशोषित कर लिया लेकिन वो पूरे पानी का यूज नहीं कर पाती हैं, उसमें से थोड़े पानी यूज कर पाते हैं, इसलिए क्या करती हैं, जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है ना उसको पत्तियों की सतह से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। तो वो वाष्प का उत्सर्जन किससे किया जाएगा, पत्तियों की सतह से किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर ये क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, छेद पाए जाते हैं, पत्ती की सतह के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया काम, ये जो इतना पार्ट मैंने बताया कि पत्ती की संरचना कैसे कैसे होती है, कौन कौन से पार्ट कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, अगर ये आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको और भी ज़्यादा मैटर सभी सब्जेक्ट का, बायोलॉजी के अलावा सभी सब्जेक्ट का मैटर प्रोवाइड करवा सकें। तो ये तो बात हो गई कि इस पत्ती की संरचना जो है वो किस टाइप की होती। अब देखिए इसके अंदर क्या, हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये तो हो गया इसके फंक्शन कैसे होंगे, मतलब ये क्या करेगा, जल का वाष्प रूप में उत्सर्जन के लिए भी क्या चाहिए, पत्तियाँ चाहिए, ऑक्सीजन मतलब जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है O2 का CO2 का, उसके लिए भी क्या चाहिए, पत्तियाँ चाहिए, यानी कि गैसों का मेनली जो परिवहन होता है वो कहाँ पे होता है, वो कहाँ से, पत्ती की सभी कोशिकाओं तक होता है। तो ये पत्ती के अंदर इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर क्या है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसके बारे में देखते हैं हम, स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे, देखिए ये स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं से क्या, जैसे हम ऐसे बोलते हैं कि जो पत्तियां होती हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इनके अंदर कोई ऐसे छेद वेद होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस होती है, यानी कि ये जो स्टोमेटा होते हैं इन्हीं के अंदर, ये स्टोमेटा है, ठीक है, इसके साइड में ये क्या है, ये गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के दोनों ओर क्या होती है, मतलब स्टोमेटा ऐसा लगा जो घिरा हुआ किससे होता है ये, तो किससे घिरा होता है ये गार्ड सेल्स से घिरा होता है, किससे घिरा होगा, गार्ड सेल्स से। तो ये जनरली की स्ट्रक्चर होती है किसकी, जो पत्तियां होती हैं उसकी संरचना अगर हम देखें, और ये वाली जो सेल्स होती है ये क्या है, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स या फिर जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं
किसकी स्टोमेटा के जो मतलब स्टोमेटा का खुलना बंद होना वो सारा कंट्रोलिंग जो होता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अगर हम पत्ते की जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, अपर होता है, लोअर होता है, इसके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, स्टोमेटा होते हैं, गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए, अब हम आपका जो आज का क्वेश्चन है वो पूछते वो बताते हैं आपको कि आज का क्वेश्चन जो है वो क्या होना चाहिए। मेनली क्या हमने यहाँ पे क्या क्या जो गैसों का एक्सचेंज होगा वो किस किस तरीके से होगा, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो सभी चीज़ें हमने पढ़ी। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जो ये स्टोमेटा होते हैं, छेद जो होते हैं, इनसे एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं कि बहुत ज़रूरी एक क्रिया होती है, वो कौन सी होती है उसके बारे में बताना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पत्ती की सतह से जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया बतानी है कि पत्तियों से जो ये स्टोमेटा होते हैं पत्तियों के अंदर, इनसे मुख्य क्रिया क्या होती है, मेन जो प्रोसेस है वो क्या होती है, उसका आपको बताना है। जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।